हाय डियर माय फ्रेंड्स, अभी FIDI का डाटा एब्सोल्युटली, अरे यार तो एकदम FIDI का डाटा ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। खाली यहाँ पे क्या डेट चेंज करना पड़ेगा, बस उतना ही यार, कुछ नहीं, फुल ऑटोमेटिक। एग्जाम दिखा रहा हूँ, सपोज यहाँ पे 18 है ना, राइट, अभी 17 डाले देखेंगे। कौन सा ऐप है, हाँ नेट थोड़ा स्लो है, इसको ऐसे ऐसा हो रहा है, बंद नेट तो है, बंद हो गया, वो चेक कर लेता हूँ। AM62 एट कभी कभी, ये देखो 12 हो गया रेट। अभी कभी कभी नेट ना, अभी हमारा आज का डेट क्या 18 है, राइट, 18 ले लेंगे, 18 आ गया, अभी हमारा 17 है ना। या एक बार यही थोड़ा सा इश्यू होता है, मतलब नेट का स्पीड वजह से, अभी मैंने फिर से 18 दे के फिर 17 देंगे, क्योंकि फटाफट हो जाएगा ये लाइव डाटा। ये भी 17 है राइट, क्योंकि वो डाटा रिफ्रेश रिफ्रेश करे तो हो जाता, मगर रिफ्रेश करे तो नहीं आएगा वो। अभी कितना है, 17, यहाँ पे 17 लगा के फिर 16 लगा देंगे, क्योंकि नेट का स्पीड होना चाहिए इसमें ना, वो डाउनलोड होता है इतना, बस 16 है डाउनलोड तो होना, उतना तो टाइम देना उसको ना। हाँ आ गया, इतना समय तो देना पड़ता जो NSE वेबसाइट से डाउनलोड होगा डायरेक्ट फाइबर नेट, वो तो कुछ सेकंड का हो जाएगा। हम 12 ही देंगे उसको बाद। बारह भी तो आ गया अभी ना, ये यहाँ पे 13 तारीख का था, मेरे ख्याल से 13 तारीख था, 13 तारीख है, हाँ डेट देखेंगे 13, हाँ फ्राइडे, सैटरडे बंद था, संडे 13 16 17 18, मतलब डाटा हमारा जो है, ये डाटा हमने 4 दिन का डाटा ले लिया है, ठीक है 4 दिन का। यहाँ पे देखोगे 4 डेज का डाटा यहाँ पे पुल कर रहा है मैंने, ये नहीं है, ये है, मतलब खाली यहाँ पे आके डेट से चेंज करना बस। जैसे 18 है फर्स्ट ऑफ, यहाँ पे डे 1 मतलब टुडे ये ज़्यादा एक्सेल शीट का वजह से ऐसा हो रहा है, टाइम लिया 2-3 घंटा, इसीलिए ऐसा लग रहा है। यहाँ पे देखो 18 17 या 15, कौन सा भी डेट आप चाहिए, तो जैसा आपको लगेगा 10 तारीख देंगे, ठीक है तो 10 तारीख दे देना, फटाक से वो डाउनलोड हो जाता है, थोड़ा सा वो बस हो गया 10 तारीख, कुछ नहीं है, NSE वेबसाइट जाना फाना जरूरत नहीं। अब मेरे पास 17 डेट, कल का एनालाइज करेंगे, ठीक है जो 19 तारीख का, मतलब कल सवेरे, कौन सा है अभी कल, हाँ कल आज का जैसे थर्सडे, अभी तो 12 बज गया, कोई बात नहीं, तो 19 तारीख का ट्रेड क्या होता है भाई, तो हम लोग ग्लोबल मार्केट को भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखो एशियन मार्केट क्या हाल चाल है, AGX माइनस में चल रहा है, देखा आज का, यहाँ पे कलर दे दिया, आप चाहे तो और भी कलर लगा सकते हैं, यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, जो ग्रीन ग्रीन है तो उसको ग्रीन रहेगा, जैसा सपोज थोड़ा और कम ग्रीन लग रहा है मेरे को, थोड़ा ना इसमें मल्टीपल फॉर्मूला लगा के आता हूँ, बेहुदा कंडीशनल फॉर्मूला दिस ग्रेटर देन, कौन सा ये ग्रेटर देन फॉर्मूला 0 लगाएंगे तो हम लोग क्या लगाएंगे,
ग्रीन, थोड़ा सा ग्रीन आ जाएगा, पूरा हमारा हल्का सा कलर हो जाएगा, राइट। ये होगा एक कंडीशन। अभी चिकन कंडीशन हम लोग रेड भी तो चाहिए, लेस देन जीरो। जावा स्क्रिप्ट करो अभी, जावा पाइथन का ले लिनक्स। अभी कौन सा लेंगे, थोड़ा सा रेड दे देंगे, राइट। अभी हमारे पास थोड़ा सा फॉर्मेट कंडीशन में आ गया, तो भी वही है। चलो छोड़ो, ग्लोबल मार्केट छोड़ेंगे। तो ये पायलट है, इधर डेट चेंज करना खाली, बस 1 2 3 मतलब 4 दिन का डाटा है, 4 डेज का डाटा ले गया है। टोटल कहा देखना, राइट। ये सब देखने का आपको नहीं जरूरत पड़ेगा ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया देखो, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लगाना, मतलब फॉर्मूला तो लग गया, बस खाली ग्रीन कलर देखने के लिए हमको कंडीशन में जाना पड़ेगा। कंक्लूशन, देयर्स ग्रेटर देन, सेम फॉर्मूला लगाएंगे इसका, हम लोग थोड़ा सा ग्रीन लगाएंगे और कलर को थोड़ा सा लगा देंगे। उसके बाद हम लोग वैल्यू फॉर 0 रखेंगे। हाँ होगा एक कंडीशन, सेकेंड कंडीशन भी लगाएंगे, दिस ग्रेटर देन लूजर देन 0, लूजर। थोड़ा रेड मारेंगे और थोड़ा सा हल्का सा रोड मारेंगे। चलो हो गया कंडीशन, कंडीशन हो गया, राइट। यहाँ पे हुआ ग्रीन ग्रीन, देखा सेम इसी तरह से। ये भी देखो, यहाँ पे भी एक लगा के आता हूँ। ये सब काम हमारा नहीं, ग्रेटर देन वैल्यू पर 0, ओके। टेक्सिस कलर और थोड़ा सा हल्का एक कंडीशन, वन कंडीशन दिस द टू कंडीशन दिस रेड फॉर्मूला, हल्का अच्छा रेड रखेंगे। बस हो गया कंडीशन, ये करते रहे तो फिर मेरा वीडियो बहुत 2 3 घंटे हो जाएगा। मतलब ये कलर लगाने का थोड़ा क्या होता है, बाइसल क्या है होता है, यहाँ पे ये देखने का भी नहीं है, क्योंकि ये मैं हाइड कर देंगे, ज़रूरत नहीं देखने का उसको, ठीक है। आप चाहे तो फिर इसको भी ला सकते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ लगा के फिर से क्लिक करते आ जाएगा, हाइड कर दिया। तो यहाँ पे कंक्लूशन क्या है, राइट। ये थोड़ा इसे क्यों हो रहा है भाई, ये लॉक कर दिया शीट, इसीलिए मेरे ख्याल से क्या हुआ। हाँ लॉक का वजह से, हाँ शीट लॉग है तो इसीलिए यहाँ पे छोटा दिखाई दे रहा है। तो हम लोग इसको अभी इसको काट दिया, तो प्रोजेक्ट ये तो शीट अनलॉक हो जाएगा, तो लॉक है शीट, तो क्या करना, राइट। ये एक्सेस होना तो फिर फ़ोन करना मेरे को, और मेरा सब्सक्राइबर होना चाहिए, तभी जाके एक्सेस मिलेगा आपको, बिना सब्सक्राइब में हमारा नहीं मिलेगा आपको एक्सेल शीट। सब्सक्राइबर प्लीज, उसके बाद में फ्री में आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए कल करना पड़ेगा जो भी कंडीशन है। आराम, मेरा स्टूडेंट तो ऑलरेडी मिल जाएगा फुल ऑटोमेटिक, कुछ नहीं करना, बस खाली ओनली डेट चेंज करना, आके अखा डेट कट चेंज करना यहाँ आके, बस खाली ये 1 2 3 4 कलम जैसे मैंने दिखाएंगे। रुको, यहाँ इनपुट लेंगे, चार कलम देखो यहाँ पे टुडे, यहाँ पे खाली डेट चेंज करना, बस और कुछ नहीं, इतना सा 1 2 3 4, ठीक है, 4 डेट चेंज करना, बस खाली खत्म, खेल खत्म। उसको बाद यहाँ पे आ जाना आपको, और ये जो हाइट कर दिया इसको भी देखने का जरूरत नहीं, जो ओपन इंटरेस्ट या दुनियादारी का परेशानी रहेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे कॉल लॉन्ग है, कॉल शॉर्ट है, पुट शॉर्ट, कॉल शॉर्ट है, ये दिमाग खराब हो जाएगा आपका। तो इतना सा क्या करेगा, देखिए फिर भी देखना चाहते तो देख सकता, फिलहाल के लिए मेरे को तो नहीं चाहिए। देन हाइट, वहां से मैं डाटा ही हाली किया, मतलब कम जगह के अंदर 3 3 दिन का डाटा रख दिया। देखो यहाँ पे क्या है, द
जब सीट अनलॉक हो जाएगा तो ये साइड से बड़ा दिखेगा, ये लॉक है ना इसीलिए छोटा दिख रहा है। ठीक है, एक काम करेंगे, ये कलम नीचे लगा देंगे और हाँ इतना में ठीक है। अब फिर से कहाँ से साला ग्रीन आ गया, बहुत छोटे वाला। चलो ये ग्रीन को भी कंप्लीट करेंगे। नहीं यार, रहने जो होगा तो वही चाहिए, रहने बाद में देख लेंगे। डिलीट द रो नाउ, ओके। देखो वो सब बात नहीं, अब यहाँ क्या है, देखो ये पे देखिए, ये फॉर्मेट सब, ये जो जितना है ग्रीन में लगाया है सब यहाँ पे, एक्सेल पूरा कंप्लीट एक्सेल शीट है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे वो जो भी है थोड़ा कलर वगैरह उधर दे सकते हैं। यहाँ पे देखो क्लाइंट, क्लाइंट ने क्या किया इंडेक्स फ्यूचर में क्या किया, यहाँ पे दिखाई नहीं देगा आप मेरे ख्याल से, आप लोग को क्या बताएं, क्योंकि हम हमको दिखा रहा है कलर लगा दिया ना इसीलिए। जो हाँ 8, 9, 6, 7, 4, देखो 4 डेज से क्या हालत है। इससे पहले क्लाइंट कितना था, 8, ओके 8, 9, यहाँ पे ज़्यादा बुलिश था 4 तारीख में, तो कितना है 3, 4, 5 बोले तो 86,632, 8, 9, यहाँ पे 89, 81, 89, मतलब ये साला सिमिलर केस में है। क्लाइंट मतलब फ्यूचर में बाई कर रहा है, राइट, ये साला पॉजिटिव में है, क्लाइंट फ्यूचर में है, ठीक है, अभी भी पॉजिटिव है वो, पता नहीं क्या आने वाला। 3 दिन से लगातार मतलब 4 डेज से पॉजिटिव है, मार्केट नेगेटिव खोले कुछ भी हो जाओ पॉजिटिव है बस। डीआई ने क्या कर रहा है देखो, खाली शॉर्ट करके जा रहा है खाली। अरे पहला कितना था, 17,000, सॉरी हाँ 3, 5, 17,000, 19,000, 21,000, 25,000, मतलब बढ़ाते जा रहा है डीआई शॉर्ट, ठीक है। और यहाँ पे केपाई ने क्या किया, 88,982, और उसको बाद थोड़ा कम किया है 77, फिर से 64, 63, मतलब डी एफ आई ने कम किया पोजीशन, थोड़ा कम कर रहा है भी, ज़्यादा कम नहीं है। 88,667,822,323, 20-30 हज़ार क्वान्टिटी कम किया है। और प्रो ने क्या किया, बाई था अभी थोड़ा कम बाई है, पहला 20,260 था, फिर 7,500 आ गया, फिर 4,800, और अभी माइनस में चला, मतलब नेगेटिव में आ गया 60, पूरा पोजीशन फ्यूचर का निकल दिया, जो स्टॉक फ्यूचर में था आज का पूरा नेगेटिव हो गया, ठीक है, मतलब माल निकाल दिया पोजीशन है, क्लाइंट फंस गया। मेन क्या, क्लाइंट का माल फंसा है देखो, इतना सा बात है। उसके बाद इंडेक्स कॉल में आता हूँ, कॉल में है 22849। उसको बाद डीआई ने देखो यहाँ पे 9,7, कहीं ना कहीं ये प्रो ने थोड़ा सा कॉल राइट किया है, मतलब जो भी कॉल राइट किया है यहाँ पे कॉल लॉन्ग कॉल शॉर्ट उस साइड से लेके आया ना डाटा में, तो इसीलिए आप लोग को समझ में आ जाएगा सिंपल। उसे क्या है, यहाँ पे जो रेड कलर दिखाएगा वो शॉर्ट है, मतलब यहाँ पे इंडेक्स कॉल साइड रेट कॉल लॉन्ग कॉल शॉर्ट, तो इसका मतलब कॉल शॉर्ट किया गया है, जो रेड कलर दिखाएगा माइनस में वो शॉर्ट है, कॉल शॉर्ट होगा, ठीक है, और कॉल लॉन्ग होगा जो ग्रीन कलर है। तो कॉल लॉन्ग कॉल शॉर्ट के प्रो ने अच्छा खासा कॉल राइट किया है, तो पता नहीं ये कौन सा में कॉल राइट, या लगातार कॉल राइट बढ़ाते ही जा रहा है। 20 में थोड़ा कम था, अभी कॉल राइट ज़्यादा है, पता नहीं मार्केट बेयरिश लग रहा है इसको, फिर फ्यूचर का पोजीशन भी तो ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे फिर इंडेक्स पुट ने क्या किया, क्लांड में जबरदस्त दबा के राइट कर दिया, पहला राइट ज़्यादा था 39, 32, 12, 15, मतलब कम किया है, कोई बात नहीं, रिटेलर समझ गया थोड़ा कम कर रहा है बार राइटिंग। तो डीआई ने कहीं ना कहीं स्टॉक पुट को कहीं ना कहीं लोग बाय कर रहा है, तो इसका मतलब मार्केट नीचे है। और ए पाई ने पहला 30 था, 29, फिर 25, 29, तो कहीं ना कहीं सिमिलर केस में खड़ा है ये, कोई फ्यूचर के लिए मेरे ख्याल से फ्यूचर हेजिंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर में कितना था, फिर 8, 72, 64, 63, 63, यहाँ पे जो कौन था, अरे यहाँ पे 29, हाँ हेजिंग किया है यहाँ पे, ज़्यादा इन लोग को कहीं कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए कॉल को
पुट को बाई किया, कॉल फ्यूसर को शॉर्ट कर दिया। इन लोग को कॉल को बाई करना चाहिए था इसको, मतलब इन लोग पता नहीं कैसा मार्केट को बैरिश तो लग रहा है इन लोग को, तो वो तो रीजन मालूम नहीं पड़ रहा है अभी। इसमें फ्यूचर का कॉल बाई करना था ना, इन लोग समझ में नहीं आ रहा क्या किया, बैरिश लग रहा है इनको, इसीलिए मार्केट को शॉर्ट किया होगा शायद। ये तो होगा स्टॉक फ्यूचर में अभी। डीआई ने सीधा तरह से मालूम पड़ रहा है, जो भी ये पाई डीआई सब के सब नेगेटिव लग रहा है डाटा में, मगर यहाँ पे तो क्लाइंट जो है पॉजिटिव जाते ही जा रहा है, फ्यूचर को बाई करते ही जा रहा है। पता नहीं क्या होगा इसको, हमेशा गलत तरीके से उल्टा तरह चलते रहता है। फिर यहाँ पे कल कल स्टॉक फ्यूचर में देखो सेम टील है, ये पॉजिटिव है, ये डीआई नेगेटिव है, और 12, 16, 19, 20 थोड़ा सा पोजिशन बढ़ा है पहला से, क्योंकि स्टॉक में बाई करते जा रहा है। प्रो ने भी 21 कहीं ना कहीं 24, 23, 20, 21 सेम केस में खड़ा है। फिर क्लाइंट तो हमेशा ये इसका बाद ही स्टॉक कॉल में बाई कर रहा है, और डीआई सेल 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 सेल। देखो यार डाटा, फिर यहाँ पे क्लाइंट ने एक स्टॉक पुट को भी राइट किया, तो कहीं ना कहीं मार्केट को लेके बुलिश है, और सबका सब ये भाई बाई, मतलब सब लोग जितना भी है सबका सब नेगेटिव है, और अपना आप शेयर हो रहा है क्लाइंट, क्या बोल सकता है। यहाँ पे नेट पोजीशन देखो, एक दिन का डाटा दिया हूँ मैं यहाँ पे, टोटल यहाँ पे 3 दिन का दिया है, इसलिए आप लोग को समझ में आ जाएगा इतना डाटा काफ़ी है, यहाँ से यहाँ तक काफ़ी है। यहाँ से यहाँ तक डाटा काफ़ी, ये 4 कलम है इतना काफ़ी है, ठीक है। और ये जो देख रहा है ये देख सकता है ये डेली का क्या हाल है, तो उसके लिए आज का आज क्या है, राइट, अभी का क्या है, देखो यहाँ पे राइट, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जो फ्यूचर बाई बाई कॉल बाई इंडेक्स पुट राइट किया, वाह क्या जबरदस्त काम है। तो कहीं ना कहीं हमारा दोस्त हम लोग बाई है, एक दो दबा के सेल किया है नीचे बस। यहाँ पे एफआई ने क्या किया, डीआई ने तो नेगेटिव है, ए पाई ने फ्यूचर को शॉर्ट कर 63 कॉल पुट शॉर्ट, कहीं ना कहीं ज़्यादा लोग 63 इंडेक्स पुट ने बाई किया राइट, 29, 3, 4, 5 से 2,90,000 यहाँ पे बाई किया, और 63 शॉर्ट किया, और स्टॉक फ्यूचर में 20 यहाँ पे इन लोग को बैरिश लग रहा है मार्केट, कहीं ना कहीं रजिस्टर मिल गया होगा शायद, अभी ऑप्शन से देखे तो मालूम पड़ता। तो यहाँ पे भी इन लोग का प्रो भी ज़्यादा सिमिलर केस में स्टॉक फ्यूचर में थोड़ा सा बाई किया है, और का पूरा डाटा इंडेक्स कॉल कॉल को राइट किया, मार्केट नीचे है, इंडेक्स पुट भी राइट किया है 32-16 आधा आधा, मतलब ऊपर से प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। अब ओनली 63 बचा है, फ्यूचर में माल नहीं है बोले तो चलता, इन लोग क्या कॉल राइट कर रहा है 32 और 16-40 मतलब आधा कॉल 16-32 राइट, अभी आधा हुआ, आधा को नीचे का मेरे ख्याल से इन लोग नीचे का राइट कर रहा है, ऊपर का भी राइट कर रहा है, तो दूर दूर का होगा शायद, और ऊपर का ज़्यादा है प्रेशर, मार्केट थोड़ा नीचे साइड जाएगा बोलते हैं, रजिस्टिंग मिल गया होगा शायद 32-2157 यहाँ क्या है इंडेक्स कॉल में, और 14 कहीं ना कहीं इंडेक्स कॉल में थोड़ा राइट है, मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव दिखा रहा है यहाँ पे डाटा, जो भी ये एक दिन का डाटा दिखा रहा है, और प्लस इधर 3 दिन का डाटा भी आप सिमिलर मैच करें तो वही हालत आ रहा है, मतलब डाटा इन लोग को ही एक ही जैसा है,
तो डाटा मैं इसीलिए 4 दिन का डाटा रखा, कोई डाटा 3 दिन रख देता है, 1 दिन का डाटा में समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, पोजीशन को इधर उधर हो जाता है। जितना दिन का डाटा रखेगा उतना दिन अच्छा रहेगा। तो मैक्सिमम मैंने 4 डेज का डाटा रखा जो इंटरडे के लिए काफ़ी है। थैंक यू डियर माई फ्रेंड्स। और इसको एक्सेल शीट फुल ऑटोमेटिक है, खाली डेट चेंज करना और कुछ काम नहीं है। और आपको एक्सेल शीट चाहिए, हाँ वॉल्यूम भी है इसके साथ, वॉल्यूम ये पाई ओपन इंटरेस्ट डाटा है। अगर आपको वॉल्यूम यहाँ चाहिए तो ये भी ले लेना, इसका थोड़ा मतलब ज़्यादा टाइम हुआ तो चला जाता है। फिर से इसको क्या करना, खाली आपको डेट लगाना है और रिफ्रेश होता वो नेटवर्क की वजह से हो गया ऐसा 10 है। अरे कहाँ कहाँ क्या हो गया भाई, प्रो कौन सा लेंगे, जावा स्क्रिप्ट रन हो रहा है, आ गया बस इतना ही। आप फिर से इसको डेट एक बार डेट हो ऐसा हो जाता है कभी कभी, क्योंकि ये डाटा डाउनलोड होके रहे तो ऐसा होता, बस इतना ही यार। फिर 17-18 ये सब अब क्या करेंगे, छोड़ देता हूँ ठीक है। और हाँ वेबसाइट में आके आपको यहाँ पर डाटा रिफ्रेश करने तो नहीं मिलेगा क्योंकि एक्सेल शीट का एक्सेस नहीं है और फुली ऑटोमेटिक डाटा है। फिर कुछ टाइम के बाद री एंट्री, अभी तो है पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, रिफ्रेश कर तो डाटा, मेरे नेट का प्रॉब्लम होगा शायद इसीलिए ऐसा हो रहा है। मतलब डाटा तो ऑटोमेटिक है ऐसा कोई बात नहीं, फुल्ली डाटा ऑटो है, मैंने इसका जो भी है सब कुछ ऑटोमेटिक है। तो इतना सा समझ में, मार्केट का ट्रेंड कल डाउन है और एक बार हम लोग देख के आएंगे। अरे यार कौन सा आ गया, हम लोग कहाँ कहाँ से किधर जा रहा है, चार्ट में चले जाएंगे। हाँ ये एक्सेल शीट को आपको चाहिए, सीधा आपने क्या करना, ऑप्शन ऑप्शन से राइट नहीं इन एक्सेल टूटे कहाँ लगाया, ऑप्शन चार्ट में चले जाओ। टाटा मोटर का भाई कहाँ का है भाई, टाटा मोटर भाई, बैंक निफ्टी 1 आवर एनएससी ट्रेडिंग विचार सिमिलर पेटर्न फ्लॉप। हाँ इन लोग को अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस देखा होगा शायद मेरे ख्याल से यहाँ पे, इसलिए मार्केट को कहे ट्रेन इन लोग बलिश नहीं समझ रहा है कि 1 आवर टाइम में ये रेजिस्टेंस लगा मेरे ख्याल से, ये इतना ऊपर नहीं आने वाला है कल, क्योंकि यहाँ पे दबा के रखेगा, ऊपर जाने नहीं दे रहा है ठीक है। तो क्या कर सकता है, तो डाउन साइड का अगर ऊपर जाके प्राइस एक्शन में अगर डाउन साइड मिले तो ट्रेड कर लो ठीक है। अगर 50 मिनट्स आओ मंथली का ऊपर वीकली डे कैंडल में क्या है, डे कैंडल में तो यहाँ पे गैप, ये देखो ये रेजिस्टेंस 34,800 यहाँ से शॉर्ट हो रहा है, ध्यान रखना ये कब ब्रेकआउट करेगा तब मार्केट कुत्ता का जैसा भागेगा ऊपर, मैं बता रहा हूँ, इसीलिए इन लोग शॉर्ट कर रहे हैं उसको पता है ठीक है, डे कैंडल का सपोर्ट देख के इन लोग। तो डियर माई फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया ऑप्शन से, तो अभी ऑप्शन सिम दिखाने का समय नहीं है मेरे पास, तो रात भी बहुत हो रहा है, कहीं ना कहीं 12-1 बजने वाला है तो मिस हो जाएंगे अभी। और एक्सेल शीट को आपको चाहिए तो फ़ोन करो, कुछ भी करो मिल जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे दे दिया, ये है APDA ओपन इंटरेस्ट, आपको यहाँ डाटा एरर देगा क्योंकि मैंने यहाँ से जब उसको डेट चेंज करेगा तब आएगा, नहीं तो वो एरर देगा ठीक है, एरर हो जाएगा यहाँ पे सेम यहाँ पे, तो ये अभी एरर हो गया क्योंकि डाटा मैंने रिफ्रेश नहीं किया, तो ये डाटा रिफ्रेश खाली डेट चेंज करना पड़ता है और कुछ नहीं। तो और यहाँ पे दूसरा आदमी का है तो मेरा नहीं है, क्या है इसको, क्या हाल चाल है इसका, ये समझ में नहीं आ रहा है इन्होंने करा क्या है, EFI क्या किया है। यहाँ पे 19 मई 2022 कंक्लूशन देखो, यहाँ पे नेगेटिव 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 पॉजिटिव वो तो मेरे में ही दिख रहा है, यहाँ पे शायद किधर से क्या डाटा नहीं है पता नहीं, यहाँ पे क्या किया है, इंडेक्स पुट को शॉर्ट किया टू नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव किसका दिखा रहा है, इंडेक्स फ्यूचर का शॉर्ट राइट तो पॉजिटिव, इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट किया कितना शॉर्ट किया 1026 राइट 69, हाँ ये प्रो का डाटा दिखा रहा है 69 भाई, ये पाई का
ये पर नहीं, 69 किस का डाटा है वहाँ? सिक्सटी नाइन किस का डाटा है? इधर देखा था 63। वहाँ पे खाली 69, -69 था किधर? अरे यार क्या था वो तो देखा ना। चलो वो छोड़ दो, ये डाटा वो डाटा इन्होंने नेगेटिव दिया। मेरा ये इधर ये सेम ही है, कई बार से यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया और पॉजिटिव लिख दिया और कोई काम नहीं। मगर ये नेगेटिव पॉजिटिव से नहीं सोचना, यहाँ पे हमारा जो डाटा है ये एक दिन का डाटा दिखा रहा है, ठीक है? और हमने 4 दिन का डाटा, तो यहाँ पे एक दिन का डाटा में सिमिलर हम लोग ही देख रहे हैं ना। सीधा सीधा 1 डे डाटा में यहाँ पे जो भी इंडेक्स फ्यूचर क्या है, बोलिश है, सीधा सीधा ये यहाँ पे देखो बेयरिश है, ये भी बेयरिश है, ये भी बेयरिश है, देखा? कुछ यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इतना सा बात है। यहाँ पे लिख सकता है अभी, जैसे अभी जाके यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट में जाके बाई सेल जो भी मर्जी टैक्सेस करके अब लिख सकता है। अब वो सब मेरे को नहीं, मेरे को यह समझ में आ जाता, हो जाता। अब लोग को एक्सेस होना तो ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है? फ़ोन करो, कुछ भी करो, सब्सक्राइबर होना चाहिए बस। अपना आप ले लेना, अपना आप काम करते रहना, किसके पास जाना वो सब अच्छा नहीं रहता। इसीलिए मैंने मेहनत किया 2-3 घंटा, ठीक है? और पहला वाला जो एक्सेल शीट है पूरा का पूरा मैं डिलीट कर देंगे, वो कोई काम का नहीं है। कहीं को उसको बाहर डाउनलोड करना ही करना, सब काम बंद कर दिया मैंने, ठीक है? वेरी सिंपल का ग्लोबल डाटा भी सब देख सकते हैं आप आके। तो अच्छा खासा डाउन साइड पर ट्रेड मिलेगा प्राइस एक्शन में, तो ट्रेड करना। और जैसे मेरे बातों में आप ट्रेड ना करें तो ठीक रहेगा, ठीक है? आपका पैसा है, आपको ध्यान रखना, मार्केट क्रॉस करो, बस इतना ही है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।